चलिए डिविडेंड की बात हो रही है। डिविडेंड मतलब डिविडेंड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। पहला डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर्ड बाय यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है तो। ओके तो यहां पे लिखा है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 1150 आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। 1034 में ये जो डिविडेंड वाले, ये वाला जो डिविडेंड है डोमेस्टिक कंपनी का, ये एग्जेम्प्ट है। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1718 dividends in aggregate exceeding ₹10 lakh received by certain person to be taxed at special rate of 10%। मतलब कि 17-18 साल के बाद जो भी डिविडेंड, जो मैं सेक्शन आपको बोल रहा था 115 BB DA, ये सेक्शन कहता है कि 17-18 के बाद जितने भी आपने डिविडेंड आपने रिसीव कर लिए हैं डोमेस्टिक कंपनी से, वो सारे के सारे अगर एग्रीगेट में 10 लाख से एक्सीड कर रहे हैं, 10 लाख से एक्सीड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 11 लाख का डिविडेंड है तो 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए 10 लाख तक तो सरकार ने कहा कि 10 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख तक छूट है, लेकिन ये जो 11 लाख का डिविडेंड है, अब ये तो 10 लाख एक्सीड कर गया। अब क्या होगा? अब सर ये जो ₹1 लाख एक्स्ट्रा है, इस ₹1 लाख पे हमें 10% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिविडेंड वाली जो इनकम है ये भी स्पेशल इनकम में कंप्यूट होती है। मेरे को एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, ये क्वेरी आया था कि सर आपने तो स्पेशल इनकम नहीं बताया डिविडेंड को। तो उसके लिए आंसर है कि बेटा आपने जो है बहुत पुराना वीडियो देखा था, तो ये जो नया वीडियो है इसमें मैं बता रहा हूं कि ये जो डिविडेंड है अगर 17-18 के बाद है तो ये ऑटोमेटिकली स्पेशल इनकम बनेगा इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीस। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने इस पे, ब्लैक बोर्ड चल रहा था हमारा ये, वापस आ रहे थे तो हमने कहां तक पहुंचे थे, डिविडेंड का हमने बता दिया। उसके बाद 56(2) में और कौन सी इनकम्स को हम लेके आएंगे। थर्ड इनकम जो है लिखना रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर। If not taxed in PGBP, अगर कोई रेंट आपने कमाया है प्लांट मशीनरी से या किसी फर्नीचर से, तो उसको हम अगर PGBP में ना ले जाए तो वो सीधा कहाँ जाते हैं, वो सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। आपको मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कंपोजिट रेंट का। यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थी कि अगर रेंट जो है सेपरेबल है, रेंट जो है, यहाँ पे दो चीजों का रेंट होता था, एक तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होता था और दूसरा अदर्स का रेंट होता था, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर फिक्सर का। तो अगर ये सेपरेबल है या नॉट सेपरेबल है, सेपरेबल के केस में क्या होता था, सेपरेबल के केस में होता था कि सर जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होता था और जो अदर्स का रेंट होता था, हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता था और अदर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता था। और नॉट सेपरेबल के केस में भी हमने देखा था कि अगर बिजनेस इस वे में कंस्ट्रक्टेड है कि इट कैन नॉट बी लेट आउट इंडिपेंडेंटली, तो मैं इसको पीजीबीपी या अदर सोर्सेज मानता था और कैन बी लेट आउट इंडिपेंडेंटली, कितने का लेट आउट कर लूं, जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होता था उसको हाउस प्रॉपर्टी मान लूं और जो अदर का रेंट होता था उसको पीजीबीपी या अदर सोर्सेज मान लूं। अब पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में क्यों इकट्ठे लेके चल रहा हूं, मैंने कहा कि डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द एसएससी, कि अगर एसएससी चाहता है कि ये मेरा बिजनेस है तो हाँ मान लीजिए बिजनेस, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर एसएससी चाहता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है तो इसको बिजनेस ना मान के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही मानना पड़ेगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये एसएससी के विल पे डिपेंडेंट है कि क्या चाहता। हमने कहा कि अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज, ठीक है। हमने कहा कि ये पीजीबीपी है तो ठीक है पीजीबीपी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक और इनकम जो हम 56(2) में कवर अप करते हैं वो कौन सी इनकम है, वो है गिफ्ट अंडर सर्टन सिचुएशंस। यदि आपको कोई गिफ्ट मिला हो तो ये गिफ्ट जो है ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, इसको टैक्सेबल नहीं करो, इसको टैक्सेबल नहीं करो। सर फिर यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे ऐसे गिफ्ट को लिखा है जो गिफ्ट का जोल पहन के आ जाता है, जो एक्चुअल में गिफ्ट है वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट है, सरकार ने उसको माफ कर रखा है। लेकिन जो गिफ्ट का जोल पहन के आ जाते हैं कि हाँ ये सर गिफ्ट है, सरकार ने कहा ऐसे गिफ्ट को मैं टैक्सेबल करूंगा लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करूंगा। अब जैसे सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और रेड में इनकम टैक्स वालों ने बहुत सारी चीजें रिकवर कर ली, ठीक है। कुछ कैश था, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ ड्राइंग्स थी, ऐसे करके बहुत सारा चीज यहाँ से रिकवर हुआ और टोटल मिला के 10 करोड़ रुपए का रिकवरी हुआ। राम ने कहा जी ठीक है, आपने 10 करोड़ का रिकवरी किया है। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि चला बताइए आप ये हिसाब दे दीजिए कि कहां से आया हुआ है। मिस्टर राम ने कहा कि देखिए मैं बहुत ही बड़ा फेमस स्टार हूं, सेलिब्रिटी हूं मैं, मेरे पास आते हैं लोग, मुझे गिफ्ट देके चले जाते हैं, कुछ फैन फॉलोइंग है मेरी, मैं टिकटॉक का बहुत बड़ा स्टार हूं, टिकटॉक बनाता हूं मैं, ठीक है टिकटॉक बनाता हूँ और बहुत बड़ा स्टार हूं, तो लोग मुझे देख के गिफ्ट दे देते हैं, कुछ किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने कोई पेंटिंग दे दी, किसी ने कार दे दिया, ऐसे करके मेरे पास 10 करोड़ के गिफ्ट आ गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि चलो बताओ जल्दी से किस किस ने आपको गिफ्ट दिया है। राम ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे कितने फैंस के नाम याद रखूं मैं। और ऐसे करके राम ने जोल जाल करके इनकम टैक्स को कहा, इनकम टैक्स को बेवकूफ बनाया। इनकम टैक्स ने कहा देख हमें पता है तू बेवकूफ बना रहा है। राम ने कहा हाँ मुझे भी पता है मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास कानून कहाँ है, कानून में नहीं लिखा था, कानून में लिखा था कि गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये तो गिफ्ट का जोल है, ये गिफ्ट नहीं है, एक्चुअल में आपने कोई ब्लैक मनी या कहीं और से ये सारा सामान खरीदा है, ठीक है, और आप हमें बता रहे हैं कि गिफ्ट है, ऐसे करके तो आप बच निकलते हैं। सरकार ने कहा कि यदि सच में कोई गिफ्ट देता है तो वो रिलेटिव होता है, अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो उसको एग्जेम्प्ट कर लो। कुछ सिचुएशन सरकार ने बनाई कि अगर ये सिचुएशन होती है तो इन चीजों को एग्जेम्प्ट कर लो, इन चीजों को क्या कर लो, एग्जेम्प्ट कर लो, इनको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल, अगर किसी रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है तो बताइए रिलेटिव, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कहाँ का नाम याद रखूंगा, रिलेटिव का नाम आप बता सकते हैं, हम जाके पकड़ लेंगे उसको। इसीलिए सरकार ने कहा कि रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो एग्जेम्प्ट। और सुनो दूसरी बात, यदि आपको शादी पे, मैरिज पे गिफ्ट मिला है मैरिज पे गिफ्ट मिला है तो इसको भी एग्जेम्प्ट कर लो। सर किसकी मैरिज पे? एसएससी की खुद की मैरिज पे अगर गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। ये कौन नक्शे बना रहा है नालायक? अगर एसएससी के अपनी शादी पे गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन मान लीजिए राम की शादी है और राम का छोटा भाई गोपाल को गिफ्ट मिला है 1 लाख रुपए का, ठीक है, जो इसको राम के ससुर जी ने दिया है 1 लाख रुपए का गिफ्ट। तो मुझे बताइए क्या गोपाल के लिए ये एग्जेम्प्ट है? जवाब है नहीं, गोपाल के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर राम को अपना ससुर जी गिफ्ट देता 1 लाख के बजाय 1 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सारा का सारा एग्जेम्प्ट। लेकिन जैसे ही राम के अलावा किसी और को गिफ्ट मिला तो भाई साहब क्या होगा? ये गोपाल के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और कौन साइड में टैक्सेबल हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है गिफ्ट अंडर सर्टेन सिचुएशंस। और तीसरा सिचुएशन जो लिखा कि अगर आपको किसी अदर चीज में, किसी अदर मौके पे या किसी अदर वे में गिफ्ट मिला है अप टू 50,000 रुपए एग्जेम्प्ट है। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करता है इफ 50,000 लिमिट क्रॉस्ड एक्सीड्स तो फुल्ली टैक्सेबल। मतलब जब तक टोटल एग्रीगेट गिफ्ट आपको मिला 50,000 रुपए, शादी पे नहीं, मान लीजिए मुझे बर्थडे पे सारे बच्चों ने 1,000-1,000 रुपए दिया और 50 बच्चे थे, 50 बच्चों ने 50,000 दे दिया और ये 50,000 रुपए पूरे साल में मेरा एक ही गिफ्ट आया हुआ 50,000 का, तो ये 50,000 एग्जेम्प्ट है, मेरे को टैक्स नहीं देना इसमें। लेकिन किसी नालायक ने कहा कि सर को थोड़ा ना हम ऐसे अशुभ लगता है कि गिफ्ट देना, 50,000 के साथ उसने क्या कर लिया और उसने 1,111 रुपए का दे दिया गिफ्ट एक बच्चे ने, बाकी सबने 1,000-1,000 दिया, एक बच्चा जो बहुत ही चाहता था उसने क्या कर लिया 1,111 रुपए का दे दिया। अब बताओ गिफ्ट का अमाउंट कितना हो गया? 50,111 रुपए। सर इस 111 रुपए से क्या हो जाएगा? इस 111 रुपए से अब पूरा पिटेगा कितना? 50,000 रुपए। जो इनकम मान ली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो मान ली जाएगी 50,111 रुपए और इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी प्यार बहुत महंगा पड़ता है, देखो कि प्यार के चक्कर में पूरा 50,000 पिटा। अगर सिर्फ 1,000 रुपए दिया होता तो 50,000 के केस में क्या होता कि नॉट टैक्सेबल हो जाता, एग्जेम्प्ट होता। अब देखो कैसे कैसे बच्चे हैं मेरे, टैक्सेबल करा दिए। चलो नेक्स्ट बताता हूं आपको। जिन बच्चों ने कैपिटल गेन पढ़ा है उनके लिए ये है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं है, बड़ी बला नहीं है। लेकिन जिन्होंने कैपिटल गेन को पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। कैपिटल गेन में एक टॉपिक है जहां पे हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। चलो मैं एक करा ही देता हूं। पहले आप लिखो कि सेक्शन 56(2) में, 56(2) में एक और इनकम है जिसको हम यहाँ पे लेते हैं। वो इनकम कौन सी है? लिखना इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और enhanced compensation। ये इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, ये इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय गवर्नमेंट। अब सुनो ना, मेरे पास एक लैंड था, सरकार ने कहा हमें यहां से हाईवे निकालना है, ये लैंड हम आपसे छीन रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे छीनोगे? उन्होंने कहा फ्री में थोड़ी छीन रहे, हम आपको इस लैंड के बदले में 50 लाख रुपए दे देंगे। क्या दे देंगे? तो ये जो सरकार से मिला इसको मैं बोलता हूँ कंपनसेशन। क्या बोलता हूँ? कंपनसेशन। और ये लैंड छीना गया मेरे से मान लीजिए 12-13 साल में, वर्ष था 12-13, यहाँ पे कहीं छीन लिया गया और मुझे 50 लाख रुपए दे दिया। मैंने केस कर लिया सरकार को, मैंने कहा कि भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, 50 लाख में आप मेरा जमीन खरीद ये ले जाएंगे, इस जमीन की कीमत ज्यादा है, आप मुझे 10 लाख रुपए कम दे रहे हैं। मैंने फैसला कोर्ट पे छोड़ा, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने सरकार से कहा कि आप 10 लाख रुपए और दे दो, और दे दो। आप ये जो 50 लाख रुपए हैं ये मेरी इनकम है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, क्योंकि कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ और बदले में मुझे कंपनसेशन मिला, कैपिटल गेन की इनकम है। ये जो 10 लाख रुपए की इनकम है ये मेरी कैपिटल गेन की इनकम है, ठीक है, क्योंकि ये इनहैंस्ड कंपनसेशन है। इसको मैं बोलता हूँ 50 लाख को कंपनसेशन, इसको मैं बोलूंगा कंपनसेशन और इसको मैं बोलूंगा इनहैंस्ड कंपनसेशन। इनहैंस्ड कंपनसेशन मतलब बड़ा हुआ कंपनसेशन। अब सुनो ना बच्चे, अगर मान लीजिए 50 लाख 12-13 में ना मिलके यहाँ पे कहीं 15-16 में मिला होता मुझे, यहाँ पे रिसीव हुआ, तो मैं सरकार को क्या बोलता कि आप एक काम कर लीजिए, आपने तो यहाँ लिया है, तो ये पैसा मेरा 1, 2, 3, 4 साल तक आपके पास था, चौथे साल में आपने दिया, तो इतने साल का मुझे इंटरेस्ट तो दे दो। सरकार ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया 4 लाख रुपए इस कंपनसेशन का। अब क्या ये 4 लाख रुपए मेरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? जवाब है नहीं, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, ये इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है ऑन कंपनसेशन, ठीक है। तो इसको सरकार ने कहा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। और सुनो, यहाँ पे जो सरकार ने फैसला सुनाया कोर्ट ने कि 10 लाख रुपए और दे दो, क्या मैं 10 लाख रुपए लेके मान लूंगा? मैंने सरकार को कहा कि ऐसे थोड़ी पागल बनाओगे आप, आपने अगर यहाँ पे ही 60 लाख रुपए दिया होता तो अच्छा होता। आपने कितने साल वेट कराया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल वेट कराया। यदि ये 10 लाख मैंने 8 साल तक कहीं और लगाया होता तो मैंने इस पे इंटरेस्ट कमाया होता। समझे मेरी बात? तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको इंटरेस्ट दिया और इस इंटरेस्ट को मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। कंपनसेशन मिले या इनहैंस्ड कंपनसेशन मिले वो इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन की, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इनहैंस्ड कंपनसेशन जो मिलता है वो माना जाता है, वो माना जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। अब सुनना मेरे बच्चे क्या होता है, सेक्शन 56 आपका हो गया। अब सेक्शन 57 की बात करते हैं। 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 ये कहता है डिडक्शंस या एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। आपको डिडक्शन मिलेगा। किस चीज का डिडक्शन मिलेगा? सरकार ने कहा 2 तरह की डिडक्शन मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा, सैलरी में भी पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, ठीक है, आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। और दूसरा मिलेगा जेन्युइन एक्सपेंसेस का, जो आपने एक्चुअल में खर्चे कर लिए उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका मिलेगा? ये मिलेगा फैमिली पेंशन का, फैमिली पेंशन। सर फैमिली पेंशन मतलब देखो, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके घर वालों को पेंशन मिलता है, उसकी वाइफ को या उसके बच्चे को, तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं बेटा। अगर किसी व्यक्ति के घर वालों को पेंशन मिलता है उसके मरने के बाद तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं, और यदि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिले तो वो सैलरी है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर तो देता है लेकिन एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉई की फैमिली को मिल रहा है, तो इसीलिए सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ठीक है, इसीलिए फैमिली पेंशन यहाँ आ रहा है। और फैमिली पेंशन में सरकार ने कहा कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? 1/3 ऑफ पेंशन, और 15,000 इन दोनों का जो लोअर होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए पूरे साल में आपको 60,000 रुपए का फैमिली पेंशन मिला, तो 60,000 रुपए का आपको 1/3 निकालना है। सर वो कितना आया? वो आएगा 20,000 रुपए। या तो 20,000 का डिडक्शन मिलेगा या 15,000 का, इन दोनों का क्या निकालना है? लोअर। और लोअर कितना आया? 15,000। तो सर 15,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब सुनो, 60,000 इनकम बनेगी, 60,000 इज इनकम, इसमें सीधा सीधा डिडक्शन हो जाएगा 15,000 रुपए। बचा कितना? 45,000। ये 45,000 जो है इसको मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या बोलूंगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल है, इसमें छूट नहीं है। हाँ, अगर कोई डिफेंस का बंदा जो मर जाता है, शहीद हो जाता है, बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उसके घर वालों को अगर कोई पेंशन मिलता है, ठीक है, उसके घर वालों को अगर कोई पेंशन मिलता है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पे सरकार टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि डिफेंस वाले जो है सर्व करते हैं, कंट्री को सर्व करते हैं। और दूसरा आता है जेन्युइन एक्सपेंस। जेन्युइन एक्सपेंस में सरकार ने कहा जो आपने एक्चुअल में खर्चे किए, जैसे आपको मैंने कहा था एक जनरेटर का एग्जांपल दिया था, तो जनरेटर को चलाने के लिए जो मैंने खर्चे किए वो सारे के सारे, जैसे मैंने कहा पेट्रोल के खर्चे हैं, ठीक है, पेट्रोल के खर्चे हैं, या मैंने उस पे जो ऑपरेटर लगा लिया जो उसको चला रहा है, या मेंटेनेंस के खर्चे हैं, ये सारे जेन्युइन खर्चे हैं मेरे, तो इनको सरकार कहती है कि ये जेन्युइन एक्सपेंस है और अलाउड हो जाएंगे एज। ठीक है, तो सेक्शन 57 में आपने देखा कि दो तरह के डिडक्शंस आपको मिलते हैं। अगर फैमिली पेंशन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और कोई अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो जितने आपके जेन्युइन खर्चे हैं वो अलाउ हो जाएंगे। लेकिन हाँ सुनो ना, अब आप ये बोलोगे कि सर मैंने ना बेटिंग या गैम्बलिंग, या ऐसे में लिखूंगा यहाँ पे सीधा, मैंने WRC में पैसा लगाया और 10 लाख रुपए कमाया, लेकिन इस 10 लाख को कमाने से पहले मैंने 8 लाख रुपए लगाया, तब जाके ये 10 लाख रुपए मेरे पास आए। मतलब मैं 8 लाख हार चुका था, 7 लाख हार चुका था, लास्ट टाइम जब 1 लाख और लगाया फिर जाके मैंने 10 लाख का जैकपॉट जीता। ठीक है, तो 7 लाख रुपए और प्लस वो 1 लाख जो मैंने लगाया था, ऐसे करके 8 लाख रुपए मेरा एक्सपेंस हो गया। इस एक्सपेंस को क्या कर दो? अलाउ एज डिडक्शन कर दो। तो सरकार ने कहा नहीं, इन केस ऑफ WRC में कोई भी जेन्युइन खर्चा नहीं माना जाएगा। आपको किसने कहा था लॉटरी लगाने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए? किसने कहा था? ठीक है, अब आपने किया है तो भैया जो जेन्युइन खर्चे भी होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर बात? तो WRC के केस में मैंने कहा कि जेन्युइन खर्चे भी अलाउ नहीं होते। ओके, अब सुनो, एक सेक्शन है, सेक्शन 145। ये सेक्शन कहता है कि ये जो SSC है इसकी विल पूछो हमेशा। ये जो बताएगा वही जेन्युइन है। मतलब क्या है सर? ये जो आपको मैंने अभी एक केस बताया था कैपिटल गेन वाला, ये वाला, यहां पे बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी थी। ये जो 10 लाख आपको मिला था यहाँ पे 10 लाख, इस 10 लाख के को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। 10 लाख को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। देखो 50 लाख कैपिटल गेन है, इस पे कोई चर्चा नहीं करनी मुझे। 10 लाख कैपिटल गेन है, इस पे कोई चर्चा नहीं करनी मुझे। लेकिन जिस टाइम पे ये 10 लाख मिला उस टाइम पे जो घटनाएं घटी उन पे चर्चा करनी, ठीक है। इस 10 लाख पे मैंने इंटरेस्ट कमाया, जिसको मैंने अदर सोर्सेज का नाम दिया था। ये अदर सोर्सेज वाला जो पार्ट है, मान लीजिए इस 10 लाख रुपए पे मैंने 8 साल का इंटरेस्ट कमाया 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया। अब सरकार मुझसे पूछती है कि ये जो 6 लाख रुपए है, ये जो 6 लाख रुपए है इसको टैक्सेबल करो। मैंने कहा बड़ी बात है, अच्छी बात है, टैक्सेबल करो। किस साल में टैक्सेबल करोगे? 19-20 में। नालायक, 19-20 की 6 लाख थोड़ी है ये, 19-20 की इनकम थोड़ी है ये इनकम तो है पिछले 8 वर्षों की। तो हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। एक्रूअल आपको पता है कि एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना होता है या कैश सिस्टम फॉलो करना होता है, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में। एक्रूअल पे क्या होता है कि जिस साल की इनकम है या जिस साल के खर्चे उसी साल में हम उसको मान लेते हैं। कैश सिस्टम में क्या होता है कि जिस साल पैसा आया या पैसा गया उसी साल को हम उसको इनकम या एक्सपेंस मान लेते हैं। तो हमने कहा कि हम तो एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम कैश सिस्टम थोड़ी बिलीव करते हैं। आप इसको क्या मान लो, आप इसको पिछले 8 वर्ष की इनकम मान लो और 8 वर्षों में बांट दो इस 6 लाख को, जो हर साल लगा लो टैक्स। कितना टैक्स आएगा? कुछ नहीं, ठीक है। मुश्किल से 80-90 हजार रुपए के आसपास बनता है, ठीक है, हर साल का। तो आप निकाल लीजिए टैक्स 6 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक और सेक्शन इंपोज कर लिया, सेक्शन 145A। ये सेक्शन आते ही बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें अपने इनकम टैक्स केस में। ये सेक्शन कहता है कि यदि कोई इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कंपनसेशन आपको मिले तो उसको कैश सिस्टम पे, कैश बेसिस पे टैक्स लगा लो। हमने कहा फिर भी अरे भाई साहब, जब आप एक कानून बना चुके हैं, इट इज अप टू द विल ऑफ एसएससी। 145 क्या कहता है कि भाई एसएससी से पूछो कि वो किस वर्ष की इनकम है, कैश मानेगा कि एक्रूअल मानेगा। एसएससी कह रहा है खुद कि एक्रूअल सिस्टम है, आप क्यों मान रहे हैं कैश है, ठीक है। ऐसे करके जब 145A आया तो हमारे देश में बवाल मच गया। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ केस कर लिया और कहा कि ये कोई तरीका है, एक कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप दूसरा कानून कैसे बना सकते। ऐसे करके इनकम टैक्स को ये कानून फिर से हटाना पड़ा कि कैश सिस्टम पे नहीं। लेकिन अब फिर भी इनकम टैक्स को ये ऐसे दिख रहे थे कि यार मैं कैसे करके इसको टैक्स, या तो पिछले 8 साल को टैक्स लगा लूं, तब तो कोई बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए टैक्स निकालना, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ने एक लालच दे दिया, और कहा कि जो आपको ये जो 6 लाख रुपए मिला है इनहैंस्ड कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन इनहैंस्ड कंपनसेशन इसको हम टैक्सेबल करेंगे कैश बेसिस पे आफ्टर गिविंग फ्लैट 50% डिडक्शन। मतलब क्या है कि ये जो 6 लाख रुपए आपको मिला है भाई साहब, ये है तो पिछले 8 इयर्स का। आप इसको अगर 8 इयर्स का ना मान के जिस साल मिला आपको 19-20 में मिला, इस साल की इनकम अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो हम 6 लाख को टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम इसको सीधा 50% का डिडक्शन दे देंगे। 50% का डिडक्शन दे देंगे और टैक्सेबल कितना करेंगे? टैक्सेबल कितना हो जाएगा बताइए सर? टैक्सेबल हो जाएगा 50% का, सीधा 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। ठीक है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था आपका सेक्शन 57 का। सेक्शन 57 में आपने क्या लिखा कौन कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? मैंने कहा कि अगर कोई WRC का आपने जीता है तो उसमें नो एक्सपेंसेस अलाउड, और यदि कोई आपने फैमिली पेंशन किया है इसमें सरकार ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितना है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 व्हिचएवर इज लोअर, ये डिडक्शन है। और तीसरा आपने देखा कि यदि आप ट्रस्ट होता है तो उसको कैश बेसिस पे टैक्सेबल करो और 50% फ्लैट। इसके अलावा अगर कोई है जो जेन्युइन एक्सपेंसेस है उनका डिडक्शन मिलेगा। ये 57 WRC है तो नो एक्सपेंस अलाउड, फैमिली पेंशन है तो डिडक्शन का आपको मिलेगा 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000। इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन है तो कैश बेस पे टैक्सेबल कर लो बेटा, और यदि इसके अलावा कोई और ओके एक और आपको बताना है कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ TDS। So this is how it's going to go. I'm going to get you in जिन बच्चों ने TDS पढ़ा है या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है दोनों ही ध्यान दें, सुने तब जाके हो सकता है। सुनो मेरे, ये एक व्यक्ति है गोपाल, इसने इन्वेस्ट किया है किसी डिबेंचर में या किसी बॉन्ड में। ABC Limited जिसका फेस वैल्यू 50,000 Show up, listen to me. This is as important to me as it is to you. And there is nothing on this earth that's going to stop me from being amazed. Interest मिलता है। Samantha, can I talk to you for a second? Tell you the truth, I'm a little busy right now. What you mean is you're a little busy leveraging Eric Caldor into giving us one of his clients. Yeah, that's what I said. You think this is fun? What I think is Robert has been going through something. 5 लाख रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट किया है। 12% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट का अमाउंट जो आया मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंटरेस्ट इसने कितना कमाया। इंटरेस्ट 5 लाख का 12% सीधा 60,000। लेकिन जब इसको ये 60,000 रुपए मिलने वाला था तो एक कॉन्सेप्ट है TDS का। TDS का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसको जब भी इंटरेस्ट दे दोगे तो आप इस पे 10% के हिसाब से TDS काट लेना। TDS 10% TDS कटा। तो मुझे बताइए गोपाल के बैंक अकाउंट में कितना आया? 54,000। गोपाल से हमने पूछा कि गोपाल बता तेरी इनकम कितनी? गोपाल कहता है कि देखो भाई मेरी इनकम तो है 54,000। हमने गोपाल से कहा कि नहीं तेरी इनकम 60,000 है, गोपाल ने कहा कसम करा लो मुझे, मैंने 54,000 से आगे कुछ नहीं देखा, मेरे बैंक खाते को चेक कर लो 54,000 ही आया हुआ है, आप 60 कैसे बता रहे? गोपाल देख जो तेरा 54,000 रुपीज है इसको मैं बोलूंगा नेट अमाउंट, क्या बोलूंगा firm's record. So if you take this guy on, you better win. And that won't be a problem because I know how Caldor thinks. I'm sure you do, but in this instance, net kyun bolunga kyunki is amount mein se already this fight and I'm not backing down now. 10% kata hai aur ye 10% kahan hai? Ye 10% aapka government ke paas jama hai. अगर आपने ये बोला कि मेरी इनकम सिर्फ 54,000 है तो ये जो 6,000 रुपए आपके गवर्नमेंट के पास जमा है इनको भूल जाओ, ये तो गवर्नमेंट खाएगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मेरी इनकम 60,000 रुपए, 60,000 पे तो टैक्स ही नहीं है, टैक्स ही नहीं है 60,000 पे, तब जाके तुम्हें ये 6,000 रुपए का जो है ना रिफंड मिल सकता है। आपको जब भी कोई इनकम दिखे जिसमें टीडीएस कटा हो, ठीक है, तो गोपाल इस केस में क्या करेगा? गोपाल जो है will show. You want to try that again with some civility? So what now? How about good morning and great to you? You look lovely today. I want income from other sources. All right. I'm coming up against a deadline. This was used to be moved. Good morning, Gretchen. 60,000. And didn't that feel better? Huh? Actually, it did. And it'll feel even more better when you tell me what Lois is. I'm not so sure I will. Lois is gone for the day. TDS. What's the problem? White Mountain Ward has put it together national distribution. From. And to close, we have to agree not to rep any distributors for you. And you need Lois's approval for a commitment like that. You already agreed to it. I just need his signature. But I need it by the end of the day. The whole deal. अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि मान लीजिए गोपाल की इनकम यहाँ पैसे लिखा है गोपाल है, गोपाल ने रिसीव कर लिया। Hey, 36,000 rupees. Are you cool with this? From everything. You see the way the room. TDC Limited. I love Mara. Says interest on debenture. Thank you so much for taking us on such a trip. तो आपको टैक्स निकालते समय ध्यान रखना है कि ये जो 36,000 है ये नेट अमाउंट है, ग्रॉस नहीं है। आपको ग्रॉस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर के इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस रेट है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 36,000 रुपए कंसिडर करना पड़ेगा 90% और 100% निकालना पड़ेगा, जो आएगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसका जो है 10% टीडीएस होगा 4,000 रुपए। इट विल बी फ्रॉम फाइनल टैक्स लायबिलिटी। So there she was, feet in the stirrups. दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर मेरा मान लीजिए 30,000 रुपए का टैक्स बनता है फाइनल टैक्स लायबिलिटी, इसमें से ये 4,000 रुपए मैं माइनस करूंगा और मुझे आखिर में 16,000 रुपए ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पर जमा करना होगा। तो आपको मैंने बेसिक क्लास में भी बता दिया। As far as I'm concerned, it's just saying, well, the important thing is Alex got his signature and the score remains 1,973,000. So what do we do? So we